स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज ने 53% से अधिक वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की है। मुइज्जू को चीन समर्थक माना जाता है, जिन्होंने इस चुनाव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के उम्मीदवार और भारत समर्थक मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली को हराया। मुइज्जू वर्तमान में देश की राजधानी माले शहर के मेयर हैं, जो चीन के साथ मजबूत संबंधों की वकालत करते रहते हैं। पीएम मोदी ने जीत पर मुइज्जू को बधाई थी। उन्होंने एक्स पर लिखा, मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर मुइज्जू को बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत समय परीक्षणित भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे समग्र सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति सोली ने एक्स पर एक संदेश में मुइज्जू को उनकी जीत की बधाई दी और मालदीव के लोगों को सुंदर लोकतांत्रिक उदाहरण के लिए धन्यवाद दिया। वहीं मुइज्जू ने कहा कि लोगों ने स्पष्ट रूप से जनादेश दिया है। यह चुनाव एक ऐसे वर्चुअल जनमत संग्रह में तब्दील हो गया था कि किस क्षेत्रीय शक्ति भारत या चीन का हिंद महासागरीय द्वीप समूह पर दबदबा कायम होगा। हालांकि बयानबाजी के बावजूद मुइज्जू द्वारा भारत को एक अहम स्थान देने की विदेश नीति को बदलने की संभावना नहीं है, बल्कि चीनी परियोजनाओं का विरोध कम होने की संभावना है। मालदीव पूर्व और पश्चिम के बीच मुख्य शिपिंग मार्ग पर स्थित हिंद महासागर में 1200 मूंगा द्वीपों से बना देश है। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।